कहते हैं जहां कहीं धुआं उठता है वहां आग होती है, और देश में कुछ इसी तरह का धुआं उठ रहा है। डीजल और पेट्रोल को लेकर हाय तौबा मची हुई है। कुछ इसे अफवाह बता रहे हैं और कुछ इसे सच। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश की बात स्वदेश विशेष के साथ। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। देश के कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कमी की खबरें हैं। अचानक आई इस किल्लत को लेकर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आखिर तेल के इस खेल का क्या है मांजरा? मध्य प्रदेश के इंदौर में दिन दोपहरी में धूल फांक रहे इस पेट्रोल पंप को देख लीजिए, जो चंद दिन पहले पेट्रोल डीजल भराने वालों की भीड़ से खचाखच भरा रहता था, आज यहां सन्नाटा पसरा है। वजह है तेल खत्म। यहां न डीजल मिल रहा है न पेट्रोल। बंद है सर। क्या बता कारण? कारण वगैरह कुछ नहीं, बोले पेट्रोल नहीं है का। बोर्ड लगा हुआ है बस। क्यों आ गई अचानक सर्किट? ये बताए ना हमको, हमको हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? धक्का लगा के आए क्या? पेट्रोल पंप पे शायद बंद है, अभी पेट्रोल की आपूर्ति नहीं, आगे से नहीं आ पा रहा, शायद इसीलिए बंद है। लेकिन शाम को आया था, बंद ही पड़ा था ये। अभी अभी भी बंद ही है। और भी पेट्रोल पंप गए होंगे? और नहीं, इसी पे आया, बाकी पीछे खुले थे सब, आया था। वहीं पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई करीब 40% तक घटा दी है, जिससे लगभग 1000 पंप सूख रहे हैं। वहीं इस किल्लत की कोई सही वजह नहीं बता पा रहा। सर अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे क्या रहता है कि अभी पर्याप्त माल नहीं दे रहे हैं डिपो से, और जैसे हमको परसों चाहिए माल, तो अब वो जो रहते हैं अधिकारी लोग वो बोल रहे हैं कि अभी से लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्या एडवांस लीजिए, क्योंकि वहाँ भी क्या भीड़ रहती है। जैसे पहले यहाँ पर 130 गाड़ियाँ पर डे की जाती थी, तो अभी वहाँ जैसे 250 से 300 हो रही हैं, तो उसमें क्या इंदौर में क्या थोड़ी दिक्कत आ रही है पेट्रोल डीजल की। कल से नहीं आया सर यहाँ पे, तो क्या कारण बता रहे हो? डिपो में शॉर्टेज वगैरह चल रही है इस वजह से। और डीजल कब से नहीं आ रहा? डीजल भी कल से ही नहीं है। तो अभी कब तक आने का संभावना है? अब सर तो कि आज आ जाएगा, हाँ जैसी आएगी गाड़ी वैसे चालू हो जाएगा। ये हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी है, जहां पेट्रोल पंप सूख गए हैं। देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में पेट्रोल की किल्लत की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय खड़े हैं देहरादून के पेट्रोल पंप पर, राजधानी का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम पे। यहाँ पे भी जो लोग आ रहे हैं उन्हें सीधे रूप से मना कर दिया गया है, पेट्रोल नहीं है ये। लेकिन क्यों नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पेट्रोल भरवाने आए, क्या क्या आपको सुनने में मिला? ये हमें सुनने में मिल रहा है कि स्टॉक की शॉर्टेज चल रही है पीछे से, और दो तीन दिन पहले से हमने सोचा उम्र होगा, लोग कह रहे थे कि पेट्रोल की शॉर्टेज है पीछे से, पर आज तो हम देख रहे हैं कि पीछे भी पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है। लाइन लग के जा रहे हैं तो या तो लाइन बहुत है या पेट्रोल पंप पे दूर से मना कर दे रहे हैं कि तो पेट्रोल नहीं है। ये कैसे आपको पता चला कि पेट्रोल पूरे शहर में नहीं है? आप पूरे शहर में घूमा? 5-6 पेट्रोल पंप से होकर आ रहा हूँ अभी, तो वहाँ पर नो स्टॉक, और जहाँ पे है तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और पता नहीं जिस पे लाइनें लगी हुई हैं वो भी कितने देर तक दे पाएंगे तेल। मुझे नहीं लगता किस वजह से पीछे से हो रहा है, ये कह नहीं सकते। तो आपने सुना कि पेट्रोल की भारी कमी के चलते लोगों का बदस्तूर चक्कर काटने का सिलसिला जारी है, और ये देहरादून का पेट्रोल पंप का हाल है। यहाँ पेट्रोल में आप देख सकते हैं कोई भीड़ नहीं है। भीड़ की वजह ये है क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कमी के चलते लोगों को यहाँ से लौटाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, ऐसे में लगता है कि निजी कंपनियों ने सप्लाई में कटौती कर दी है ताकि ज्यादा नुकसान होने से बचा जाए, जबकि सरकारी तेल कंपनियां अभी घाटा सह रही हैं। यही वजह है कि सप्लाई घट रही है और शॉर्टेज की खबरों से डिमांड बढ़ रही है और तेल का खेल चल रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। तो जैसे कि आपने देखा, साफ तौर से देश के कई शहरों की तरह अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कई जगह
डीजल पेट्रोल की किल्लत की खबरें आई हैं, जिसका रियलिटी चेक किया है श्रीनगर से हमारे संवाददाता साहिल सुहेल ने। अन्य शहरों की तरह ही अब जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। मैं इस वक्त श्रीनगर के एमए रोड पे हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पेट्रोल पंप है जिसको अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, साफ तौर पे दिखाया गया है। और पेट्रोल में यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं सभी लोगों से कि इस पेट्रोल पंप पे जो है अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं इंतज़ार कर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की किल्लत से काफ़ी लोग परेशान हैं, ट्रैफिक जाम भी लगातार हो रहे हैं। अब आपको हम दूसरा पेट्रोल पंप दिखाएंगे जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे तो अवेलेबल है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और प्रशासन ने जो है अब भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पुलिस भी डिप्लॉय कर दी है। फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने वाहनों में, सिर्फ अपनी गाड़ियों में ही नहीं भरते हैं बल्कि उनके पास जेरी कैंस भी हैं और बोतलों में, कैंस में जो है पेट्रोल पंप जो पेट्रोल यहाँ से और डीजल लिया जा रहा है। आप ये लंबी लाइन देख सकते हैं कितने लोग हैं और इस तरह से जो है वो यहाँ पे पेट्रोल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप बता सकते हैं हमें कि क्यों आप इस तरह से जो है जेरिकेन में पेट्रोल ले रहे हैं? पूरे श्रीनगर में किसी जगह पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी अभी मुझे फ़ोन आया, बोला यहाँ पे एमजी पंप पे पेट्रोल पहुँचा, मैं दौड़ के आया कैन लेके। जी, तो कब से आप ये पेट्रोल? सवेरे से यहाँ पे थे, फिर हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच के वापस निकले, यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया था। क्या है आपके पास, कौन सी गाड़ी है जिसके लिए आप पेट्रोल ले रहे हैं? मेरे पास ऑटो है, ऑटो। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, गाड़ियों की लंबी लाइन है, लोगों की लाइन है और छोटी बोतलों में, बड़े जेरी कैंस में और गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो भर भर के लिया जा रहा है। इस तरह से एक तरह से जो होर्डिंग हो रही है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कश्मीर की प्रशासन है लगातार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं है और बहुत जल्द कश्मीर घाटी के अंदर डीजल और पेट्रोल के टैंकर्स आएंगे, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार इस तरह से जो है पेट्रोल और डीजल की खरीदारी हो रही है अगर किसी पेट्रोल पंप पे है। लेकिन जो कश्मीर घाटी या खासतौर पे अगर श्रीनगर की बात करेंगे, जितने पेट्रोल पंप है मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स पे जो है डीजल और पेट्रोल की किल्लत है और से वो जो पेट्रोल पंप है वो बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन शफीक मलिक के साथ साहिल सुहेल, श्रीनगर। तो हम देख सकते हैं कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत सामने आ रही है, तो कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पेट्रोल संकट के बीच सुलगते हुए सवाल कुछ ये हैं, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? क्या निजी कंपनियां सरकार को दबाव में लाना चाहती हैं? क्या फिर से बढ़ाए जाएंगे डीजल पेट्रोल के दाम? तेल की किल्लत के पीछे किसका है खेल? क्या ये अफवाह है या फिर आगे और बढ़ेगी ये समस्या? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे आने वाले वक्त में हमारे मेहमान से। लेकिन हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। तो प्रकाश, ये तेल का खेल या किल्लत क्या है? देखिए, किल्लत तो नहीं है, इसको हमको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लेना चाहिए कि किल्लत नहीं है, क्योंकि देश में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इतना ज़्यादा पर्याप्त है कि जितनी हमारी ज़रूरत है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के उन देशों में हम डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ से हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी बेहतर है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो पर्याप्त है। लेकिन अब समस्या ये है कि फिर जो रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी दिखा रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों से, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ऑयल मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें ये कहा है कि कुछ राज्यों में इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड में काफ़ी तेज़ी आई है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर लीजिए जहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इन राज्यों में पिछले साल के मुकाबले अगर आप जून के पहले 15 दिन की अगर इसकी तुलना करें पिछले साल जून 15 दिन के हिसाब से, तो करीब करीब 50% से भी ज़्यादा डिमांड में तेज़ी आ गई है, नंबर वन। नंबर टू, डीजल की डिमांड में इस मौसम में बढ़ोतरी होती है क्योंकि शादियों का मौसम है और साथ ही साथ आप देखिए बुआई का भी सीज़न है, तो डीजल की खपत बढ़ जाती है, तो एक डिमांड में तेज़ी की वजह ये है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इन राज्यों में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पेट्रोल पंप्स ज़्यादा हैं, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यहां पर इनके पेट्रोल पंप्स ज़्यादा है। अब ये कंपनियां क्या कर रही हैं, क्योंकि पेट्रोल पे करीब 12 से 13 रुपये और डीजल पे करीब करीब 25 रुपये का नुकसान हो रहा है प्रति लीटर,
सरकार के निर्देश पे, जो कि एक तरीके से आप कहिए कि सरकार ने अनौपचारिक तरीके से कंपनीज़ को ये कहा है कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा ना करें, उसमें बढ़ोतरी ना करें, उसकी वजह से ये घाटा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ये कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट में अपने रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई करने के बजाय इसका एक्सपोर्ट कर रही हैं, मतलब डीजल का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं और सप्लाई में कटौती कर दी है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स प्राइवेट कंपनीज़ के हैं वो PSUs के पेट्रोल पंप से शिफ्ट हो रही हैं और वहाँ पर भी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की आवश्यकता पड़ी है। इसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म का एक तरीके से आप देखिए कि ये प्रॉब्लम आई है जिसमें अचानक से शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लॉजिस्टिक इशू भी है कि जिन दूर दराज के इलाकों में पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे अगर डिमांड में अचानक तेज़ी आ जाती है तो फिर वहाँ पे उतनी तेज़ी से सप्लाई कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास उन्हीं टैंकर्स से सप्लाई करना है, उन्हीं ट्रेन के जरिए या ट्रक के जरिए टैंकर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको सप्लाई करना है। अगर उसमें तेज़ी नहीं आएगी तो फिर सप्लाई में दिक्कतें हो सकती हैं। अब सरकार ने ये योजना तैयार की है, PSUs को इस बात के निर्देश दिए हैं कि एक्स्ट्रा टैंकर मंगाएं, अपने स्टाफ की ओवर ड्यूटी कराएं, ओवर नाइट ड्यूटी हो रही है, अलग अलग छोटी छोटी लॉरीज में टैंकर्स के जरिए जो है पेट्रोल या डीजल पहुंचाए जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। तो ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिक्कतें ना हों, लेकिन ये कहना कि देश में पेट्रोल या डीजल का शॉर्टेज है इस वक्त, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता है जितनी की डिमांड है उसके मुकाबले। प्रकाश, काफ़ी इत्मीनान से आपने समझाया इस पूरे मुद्दे को, लेकिन चलिए हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। IRATE के चेयरमैन डॉक्टर किरीट पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर किरीट, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष हमारी इस खास पेशकश में। किरीट सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ें तो आम आदमी को परेशानी हो, ठीक है, अब इस तरह का खेल किया जाए या इस तरह की किल्लत की जाए तब भी आम आदमी को परेशानी, ये हर चीज़ में आम आदमी ना बहुत ज़्यादा फंसता है। अब की बार जो किल्लत सामने आती हुई दिखाई दे रही है, वैसे तो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ये वाकई कोई कमी की बात नहीं है, सिर्फ एक लॉजिस्टिकल इशू है और तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं जिसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आप इसको कैसे देखते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? तो इनकी बात ये जो उन्होंने बताया ना कि पेट्रोल और डीजल में करीब 15-25 रुपये की कटौती लगती है, तो और नेचुरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर नॉट विलिंग टू गिव एज मच पेट्रोल एज दे एंड डीजल एज दे कुड अफोर्ड टू, एंड देयरफॉर दे आर नॉट सप्लाइंग ऑल द पेट्रोल एंड डीजल जो किसी को चाहिए इतना, वो पूरा पूरा इनके डिमांड में मीट नहीं कर सकते, एंड ये लोग सारे फिर पब्लिक सेक्टर पंप पे जाते हैं। तो इसकी तो बिल्कुल आसानी चीज़ से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट समझाया है मेरा ख्याल से कि जब तक क्रूड का दाम इतना बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंड कंज्यूमर की प्राइसेस अभी हम बिल्कुल नीचे रखते हैं कि जिसे डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सारा नुकसान हो, तो जरूर डिस्ट्रीब्यूटर इतना नुकसान भुगतने के लिए तैयार नहीं होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके लिए कोई भी कर सकता है और धीरे धीरे उनका उनका जो लॉसेस हो कम करने के लिए वो सप्लाई कम करता रहेगा। तो ये इसमें मुझे कोई नई बात नहीं लग रही है, बिल्कुल आसान सिंपल बात है कि कीमत बढ़ाओ और अगर आपको गरीब लोगों की मध्यम वर्ग के लोगों को की ख्याल रखना है संभाल रखना है तो उनको साथ साथ में नहीं, आप समझ गए कि कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो अगर इतना कुछ बड़ा है ही नहीं तो फिर इस मामले के चलते एक आम आदमी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अनिल राजदान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में, बताएंगे आम आदमी की परेशानी कब तक खत्म होगी, अब किस तरह से इसको हल किया जाए? देश भर में हम देख रहे हैं कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार, यहां पर एक तो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो खैर अलग ही समस्या है, लेकिन किल्लत यहां पर सामने आ रही है जबरदस्त, सीधा सीधा पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ है कि नो पेट्रोल, मतलब मिल ही नहीं रहा है, आम आदमी जाए तो कहां जाए? तो मेरा ख्याल से देखो इस समस्या का हल को बिल्कुल आसान है, कीमत बढ़ाओ पेट्रोल मिल जाएगा, और लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोगों को स्कूटर्स और रिक्शा वाले को सरकार सब्सिडी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट कॉस्ट ट्रांसफर, इसके अलावा मेरे कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, और सॉरी आई हैव टू लीव नाउ।
सर आपने समय निकाला जी। डॉक्टर किरीट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? डॉक्टर किरीट क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो शायद एक्सक्यूज कर गए। हेलो अनिल जी, डॉक्टर किरीट पारेख आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जब तक हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, तो प्रकाश आप समझा रहे थे कि यहाँ पे सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है, अब जो रोड मैप तैयार किया गया है उसके बारे में बताएं क्या क्या योजना है, किस किस तरह से लागू होगी और कितनी जल्दी हम इस समस्या को खत्म होता हुआ देखेंगे। देखिए ये बहुत लंबी समस्या नहीं है मेरी समझ से, जिस तरीके से मैं सरकार के अंदर लोगों से बात कर रहा हूँ जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, कि क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से ताकि अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे कंज्यूमर्स को दिक्कतें ना हो, आसानी से पेट्रोल और डीजल अवेलेबल हो। लेकिन कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, खासकर डीजल के मामले में, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ डीजल का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि उस पर घाटा ज़्यादा हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में डीजल बेचने से उनको फ़ायदा हो रहा है कि बजाय कि वो घरेलू बाज़ार में डीजल को बेचे। अगर ऐसी स्थिति लगातार जारी रहती है और उन राज्यों में जहां पे प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स ज़्यादा हैं और वो अगर 50% से ज़्यादा की कटौती कर चुके हैं सप्लाई में, और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो कंज्यूमर को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सोर्स हमें बता रहे हैं कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि कुछ समय तक डीजल का एक्सपोर्ट जो है वो रोका जा सकता है ताकि घरेलू बाज़ार में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि कैसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है ताकि तेल कंपनियों का जो घाटा है उसको भी नियंत्रण में रखा जाए और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी नियंत्रण में रखा जाए। अब इसके लिए क्या, जैसा कि डॉक्टर किरीट पारेख कह रहे थे कि वैसे लोग जो कि ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको सरकार कुछ ज़्यादा फायदे दे सकते हैं, जैसे कुछ राज्यों ने इस तरह के विकल्प की शुरुआत की है, जैसे झारखंड ने टू व्हीलर्स के लिए सीधे सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसी तर्ज पे क्या कुछ राज्य सरकारें इस तरह के मॉडल को अपना सकती हैं? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन जो है नहीं हुआ है। लेकिन आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं, सरकार को किस तरीके से कौन से वैकल्पिक रास्ते अपनाने चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंकुश भी बना रहे और साथ ही साथ कंज्यूमर को भी फ़ायदा दिया जा सके, तेल कंपनियों का घाटा भी ना बढ़े, इस मसले पर हमें डॉक्टर अनिल राजदान से पूछना चाहिए क्योंकि स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर और ये जो समस्या है अभी फिलहाल विकल्प है सरकार के पास, जिस भी तरह की योजना बनाई जा रही है सरकार के जरिए। फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अनिल राजदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, यहाँ पे सरकार जो योजना बनाने के बारे में सोच रही है या जो विकल्प कंसिडर भी कर रही है, भले ही वो डीजल एक्सपोर्ट की बात हो या तमाम राज्य जो हम देख रहे हैं कि अब सब्सिडी भी दे रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सब्सिडी देंगे तो आपके ऊपर बोझ पड़ेगा ज़्यादा पैसों का, कैसे इससे निकला जाए सरकार के लिए आपके मुताबिक किस तरह की योजना या कौन सा बेस्ट विकल्प है? ये बिल्कुल डेफिनेट बात है कि सरकार के सामने इस वक्त काफी जटिल समस्या आई हुई है। आसपास के देशों में भी काफी पेट्रोल डीजल की किल्लत महसूस हो रही है और मैं समझता हूं कि बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ सिचुएशन काफी ठीक रही है, मगर क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको फी लीटर पे घाटा हो रहा है तो ये कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म हमें कोई इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल पेट्रोल डीजल की कीमत हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज हैं उनके पंप्स में भी पीछे हरियाणा पंजाब और हिमाचल की तरफ दौरा कर रहा था, देखा कि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पंप्स हैं उन पे कोई गाड़ियां नहीं थी तकरीबन, और सारा जो प्रेशर है वो पब्लिक सेक्टर पंप्स पे ही है क्योंकि शायद वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं और इन कंपनीज के भी पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनीज हैं ये भी सब्सिडी कैसे दे सकती हैं, ये कमर्शियल कंपनीज हैं और इस ये पेट्रोल की कीमत मेरे ख्याल सरकार को थोड़ी बढ़ानी ही पड़ेगी या तो ड्यूटीज थोड़ी सी और कम करनी पड़ेंगी
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि डिमांड इस वक्त काफी हाई प्रेशर पे है, गर्मी बहुत है, कुछ लोगों के पूरी बिजली नहीं आ रही है, वो डीजल शायद वैसे भी खपत हो रही है, हॉलिडे सीजन है, लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, साथ ही एग्रीकल्चर सीजन भी, सोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जो डीजल एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो ट्रैक्टर्स में, दूसरे फार्म इक्विपमेंट में या दूसरे जेनसेट्स में, उसके लिए भी डिमांड काफी बढ़ी हुई है। जब मेरे ख्याल ये मॉनसून आ जाएगी, बारिशें देश में पूरे अच्छे बिखराव से फैल जाएगा, तो डिमांड कुछ कम हो जाएगी और ये जो लोगों का ट्रैवल है इनहांस हुआ हुआ कोविड के बाद, दो साल के बाद काफी ट्रैफिक, हिल स्टेशंस, छुट्टियों में लोग इधर उधर जा रहे हैं, इसको थोड़ा जब इसमें कमी होएगी तो मैं समझता हूं कि सेट सिचुएशन ईज होएगी। यहां तक कि हम एक्सपेक्ट करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लगातार कुछ घाटा लेती रहे, ये संभव नहीं है, उनका भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। तो एक तो कह रहे हैं अनिल जी, लेकिन एक जो चीज मेरे जहन में आई आपका ये जवाब सुनते हुए, वो ये है कि आपने कहा कीमतें तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ड्यूटी कट शायद सरकार ले सकती है। अब कीमतें बढ़ाना अनिल जी, तो आप भी शायद इस बात को मानेंगे, महंगाई की आग में घी डालने जैसा है। आम आदमी वैसे ही महंगाई से परेशान है, यहाँ पे अलग किल्लत है जहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो भी तो महंगा है। मुझे आप ये समझाएं कि अगर कीमतें बढ़ाई भी जाएं तो किस हिसाब से बढ़ाई जाएं, ड्यूटी कट लेंगे तो आर्थिक बोझ सरकार पे कितना पड़ेगा? ये देखिए, सरकार की और काफी जिम्मेदारियां हैं और ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, उनके भी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। हमें इंटरनेशनली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफी प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर देश में इन कमोडिटीज की कीमत बढ़ी है, और ये जब तक युद्ध चलता रहेगा ये सिचुएशन मैं समझता हूँ जारी रहेगी। हम जो हमारे देशवासी हैं, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ 85% जो हमारा क्रूड रिक्वायरमेंट है वो 85% वो इंपोर्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली जो कोई इंटरनेशनल ट्रेड की जो प्राइसेस हैं वो हमें इंपैक्ट तो करेंगी, या हम डिमांड को जितना हम कम कर सकते हैं हम करें, और डिमांड को कम करने का एक तो वॉलंटरी है, वॉलंटरी ज्यादा चलता नहीं है, कीमतों से ही कंट्रोल होता है। मैं समझता हूं अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें और चढ़ेंगी उससे थोड़ी सी शायद खपत कम होए, मगर जो कंपनीज इस वक्त घाटा खा रही हैं उनका घाटा तो हमें रोकना ही पड़ेगा। मुझे कोई स्टेट में इजी सॉल्यूशन नहीं दिखता कि आ जाएगा, कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं है, सरकार के पास इस वक्त कोई ज्यादा कुशन भी नहीं है मेरे ख्याल रेवेन्यूज में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया है ना जी, सिचुएशन को और हमें जो फिजूल इसकी खपत है उसको घटाना चाहिए, इसका संज्ञान लेना होगा सरकार को, एंड आई एम श्योर लिया भी होगा, लेकिन अब यही है कि इसकी जो योजना बनेगी उसमें सभी का ख्याल रखना होगा, न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का लेकिन आम आदमी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका और अनिल जी आपका, खासतौर से पूरे मामले को समझाने के लिए।